नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना वेबिनार का सेशन, जिसमें हम बात करते हैं आईसीटी टूल्स की। और इन आईसीटी टूल्स की मदद से न सिर्फ आपका कंटेंट इंटरेक्टिव होता है, बल्कि इंटरेस्टिंग भी होता है। और उसके लिए जरूरत होती है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, थोड़ा सा सर्च करने की, और थोड़ा सा इन सब एप्लीकेशंस को जानने की कि ये चलती कैसे है। इन सभी कामों पर हमारे जो आईसीटी एक्सपर्ट्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे ढूंढ कर लाते हैं जिनकी मदद से आप ये सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से या अपनी किसी भी डिवाइस से जिसमें आप काम करते हैं। आजकल सभी एप्लीकेशन जो है सभी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने लायक बनाई जाती है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो या विंडोज हो। और इन्हीं पर आधारित हमारी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम घरों में अपना काम करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वीडियो कंटेंट बनाना लूम की सहायता से, यानी क्रिएटिंग एजुकेशनल वीडियोस फ्रॉम लूम। लूम एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे। अब इनको यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, और कैसे ये आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो एक शिक्षक और शिक्षकगणों के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कैसे बेहतर बना सकती है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको ये सब बताने के लिए जो हमारी आज वेबिनार में स्पीकर हैं वो है मिस अंजलि खुराना। शी इज आईसीटी कंसल्टेंट इन सीआईईटी एनसीईआरटी। मिस अंजलि नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हमारे दर्शकों को। थैंक यू राहुल सर। तो आज जैसा राहुल सर ने बोला कि हम एजुकेशनल वीडियोस सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं लूम की सहायता से। लूम बेसिकली एक एप्लीकेशन है और एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो एजुकेशनल वीडियोस का महत्व तो अब हम सबको पता चल ही गया है कि क्या है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सारी डिलीवरी इस टाइम नॉलेज की, एजुकेशन की हम वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं, बच्चों के साथ वीडियोस शेयर करते हैं, बट वो वीडियोस इंटरेस्टिंग कैसे बनाई जाए, या हमारे पास कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, मैं मना नहीं करूंगी कि जिससे हम वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, बट उन हर एक सॉफ्टवेयर की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो लूम एक ऐसा एप्लीकेशन भी है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिससे हम वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हमारा प्रेजेंटर दिखेगा, और एक और चीज इसमें जो महत्व है कि इसमें हम स्क्रीन शेयरिंग भी दिखा सकते हैं। कि जैसे अगर टीचर्स को कुछ स्केचिंग दिखानी है, अगर कोई टीचर स्ट्रक्चर्स बताना चाहते हैं, या अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, वे एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखा रहे हैं, काउंटिंग बच्चों को सिखा रहे हैं, कैसे लिखना है, कैसे करना है, लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जा रही है, या हिंदी में साहित्य में कुछ सिखाया जा रहा है, तो एनोटेशन की जरूरत होगी, स्केचिंग की जरूरत होगी, लिखने की जरूरत होगी। तो टीचर ये तो नहीं दिखा सकता ना कैमरा ऊपर रखे फिर लिखे सिर्फ, इससे तो टीचर के हैंडराइटिंग की फोटो आई। लेकिन अगर टीचर प्रेजेंटर खुद दिखेगा तो वो ज्यादा इंटरैक्टिव रहता है, कि बच्चों को एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ कि हम कुछ सीख रहे हैं, टीचर इज देयर, उनकी प्रेजेंस में सीख रहे हैं। तो लूम की सहायता से इट इज अ स्क्रीन कास्टिंग सॉफ्टवेयर। स्क्रीन कास्टिंग मतलब कि जहाँ पे हमारी स्क्रीन शेयरिंग भी होगी और साथ साथ हमारा प्रेजेंटर भी दिखेगा। अब कुछ हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बट उसमें फ्लॉ रहता है। क्या फ्लॉ? कि उसमें ऑडियो नहीं आ पाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि आप कोई प्रोसेस दिखा रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बट उसमें ऑडियो नहीं आ पाता है। या फिर अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते। तो लूम की आप वर्सिटैलिटी देखिए कितनी है, कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप स्क्रीन भी कैप्चर कर रहे हैं, और आप साथ में प्रेजेंटर को भी दिखा रहे हैं। उसमें भी हमारे पास वेरियस डायमेंशन रहती है, कि आप प्रेजेंटर को फुल स्क्रीन दिखाना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं स्क्रीन के थ्रू आउट, या फिर एनोटेशन दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हम लूम में सीखेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं और कैसे हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। अलग अलग माध्यम से हम जो भी वीडियोज बनाएंगे वो शेयर कर सकते हैं। तो क्या क्या माध्यम रहेंगे, किस तरीके से शेयरिंग होगी वो हम देखेंगे। दूसरा, आपको ऑडियो के साथ साथ अपना कैमरा और स्क्रीन रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। ये चीज हमने देख ली कि हम ऑडियो के साथ साथ अपना कैमरा भी ऑन रख सकते हैं। अब वो कैमरा जरूरी नहीं है कि फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके फोन में फ्रंट कैमरा भी है, स्मार्टफोन सभी के पास अवेलेबल रहते हैं, आपके पास फ्रंट कैमरा भी है, बैक कैमरा भी है, तो आप कैमरा को फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन हमारे लूम में अवेलेबल रहेंगे। बाकी जो भी वीडियो हमारी निर्मित होगी, प्रोड्यूस होगी, डेवलप होगी, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं।
शेयर भी कर सकते हैं और उसके लिंक को हम इम्बेड भी कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पे गूगल क्लासरूम चलते हैं, तो गूगल क्लासरूम में टीचर्स लिंक शेयर करते हैं कि अपनी वीडियोस को ड्राइव पे अपलोड करके या यूट्यूब पे अपलोड करके बच्चों को लिंक शेयर करते हैं। इसी तरीके से लूम पे जो वीडियोस बनेगी, लूम का ही लिंक जनरेट होगा जो हम गूगल क्लासरूम में या जीमेल अकाउंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू हम लिंक इम्बेड करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आप एक चीज पूछेंगे कि इसमें हमारी नॉर्मली जो हम वीडियोस क्रिएट करते हैं वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है अपनी सिस्टम पे, जिससे क्या होता है कि वो स्टोरेज ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ उनको स्पेस चाहिए होता है रखने के लिए। जी बट लूम में ऐसा नहीं है, लूम क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो चाहे आप उसका ऐप ठीक यूज है। कर रहे हैं चाहे आप उसको ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं, तो जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे वो लूम क्लाउड पे ही रहेगी। वो आपको डाउनलोड अगर आपको करनी है तो वो आपकी मर्जी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर वीडियो क्रिएट करने पे डाउनलोड करना पड़ेगा फिर शेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो लूम पे ही उपलब्ध रहेगी और तब तक रहेगी जब तक आप चाहते हैं। तो कुछ यानी वहां कुछ पर एक स्पेसिफिक हमको जो है स्पेस है जो क्लाउड में जी है, जी लेकिन उसकी भी कोई लिमिट है। नहीं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वीडियोस बनाने की एक लिमिट जरूर है, ठीक क्योंकि है, हर चीज जब फ्री आती है तो कुछ थोड़े बहुत लिमिटेशंस लेके आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरीके से इसका जो फ्री वर्जन है, या अभी हम देखेंगे कि फ्री वर्जन में पेड मेंबरशिप में, बट टीचर्स के लिए बहुत स्पेशल मेंबरशिप इन्होंने दी है जो कि फ्री है, और उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है रादर देन जो बेसिक वर्जन रहेगा। तो वो ठीक है, कंपेरिजन स्टडी भी हम करेंगे कि क्या क्या एज टीचर जब आप उसमें रजिस्टर करेंगे, साइन इन करेंगे तो क्या, बट एज टीचर अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको स्कूल के या अपनी इंस्टीट्यूशन के या किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, किसी भी लेवल पे आप है उसके डोमेन से ही आपको वो मेंबरशिप मिल पाएगी, फ्री जी बिल्कुल। मेंबरशिप। आप अगर जीमेल के, याहू के, आउटलुक के इन अकाउंट से करेंगे तो फिर नहीं मिलेगी, आपको स्कूल डोमेन चाहिए होगा अगर जी आप एज टीचर या एजुकेटर यूज करना चाहते हैं उसकी एजुकेटर बिल्कुल। वाली मेंबरशिप को। तो लूम की क्या क्या सुविधाएं हैं, स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं, एक साथ ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दल का सहयोग, मतलब हम इसमें मेंबर्स को कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, मतलब ये कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म भी है। ऐसा नहीं है कि आपने जनरेट किया तो वो आपका पर्सनल स्पेस है, एज पर्सनल स्पेस भी ये काम कर सकता है, लेकिन अगर आप इसमें मेंबर्स को इन्वाइट करें, मतलब अपने बच्चों को इन्वाइट करें, अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में से इन्वाइट कर रहे हैं, तो वो भी इस पे अपना कोलैबोरेशन दे सकते हैं, इन सेंस ऑफ फीडबैक भी दे सकते हैं, वो रिएक्शंस भी दे सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। इवन अगर आप उनको एज एडिटर इनवाइट करेंगे तो वो उस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। तो और जो हर एक फ्रेम होगा, हर एक जैसे हम लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा सब टाइटलिंग भी चलती है, इवन सब टाइटलिंग का ऑप्शन भी अब इसमें अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब टाइटल पे कोई सेंटेंस समझ नहीं आया तो वो उसको हाईलाइट भी कर सकता है कि अपनी टीचर को दर्शाते हुए कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज समझ नहीं आई है। तो ये इंटरैक्टिवनेस बहुत अच्छी है इस प्लेटफॉर्म की, और बाकी इंटरैक्टिवनेस इसकी अपग्रेड होती रहती है। जब आप इसमें साइन इन करेंगे तो जो भी आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे उसके बाद उसमें जितने भी अपडेशंस होते रहेंगे वो आपको रिसीव होंगे आपकी ईमेल पे। तो सिमिलरली आप फिर उसके बाद उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपनी ऐप को जो आपने डाउनलोड करी होगी। ठीक देन है, इज GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जैसे कई प्लेटफॉर्म्स का रहता है कि उनमें सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योर नहीं होती है चीजें, कि वो अगर आप पब्लिक शेयरिंग में चले जाए तो कोई भी उसको देख सकता है या मिसयूज कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चीजें रहती हैं, तो आपका जितना भी डेटा डेवलप होगा आपके अकाउंट में वो सिक्योर रहेगा, और जो भी इवन आप अपनी वीडियोज को या कंटेंट जो भी आपने वहां पे प्रोड्यूस किया है या फिर स्टोर किया है उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इसको ना देखे तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स जिनके साथ आपने पर्टिकुलरली शेयर किया है उस पर्टिकुलर क्लास वाले स्टूडेंट्स को आप उसका पासवर्ड बता दीजिए, सिर्फ उनके लिए वो एक्सेसिबल रहेगी चीजें। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल वीडियोज क्रिएट करी, क्लास 10 की है, 11 की है, 12 की भी है, तो 10th वाला बच्चा अगर वही स्पेसिफिक वीडियोज देखे तो आप उनके साथ वो पासवर्ड शेयर कर लीजिए। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन और जो भी आपके एनालिटिक्स आते हैं कि किस किसने व्यू किया है, क्या क्या फीडबैक दिया है, तो ये सब चीजें भी सिक्योर रहती है कि आपके पास एज एडमिन वो चीजें आएंगी, रिजल्ट एनालिसिस आएंगे या फीडबैक एनालिसिस आएंगे, बट कोई थर्ड पर्सन आके उस चीज को नहीं देख सकता है। तो ये डेटा सिक्योरेशन बहुत अच्छी है इन चीज में।
और जब तक निर्माता नहीं और आज करता, की डेट में डेटा सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे लगता बिल्कुल, है। क्योंकि आप देखिए इसमें अगर आप वीडियोस एज अपना फेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रेजेंटर भी आ रहा है, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये लूम सिर्फ जी स्कूल एजुकेशन लेवल तक नहीं, हम बात एजुकेशन लेवल की करें, बट इसमें बिजनेस एंटरप्राइजेस सब लोग इस चीज को बहुत यूज कर रहे हैं आजकल लोगों को, तो वहां पे तो वैसे भी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है डेटा में। तो इसीलिए लूम को इस तरीके से बनाया गया है कि एजुकेशन लेवल से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल, कॉरपोरेट लेवल, हर लेवल पे जहाँ ये यूज हो उनका डेटा सिक्योर रहे। देन हमने ये बात तो कर ली ठीक कि है। जो भी वीडियोस इसमें डेवलप होंगी वो तब तक डिलीट नहीं होंगी जब तक एज एडमिन, एज क्रिएटर कोई उसे डिलीट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन उसे व्यू कर ठीक रहा है। है तो उसके पास ये कोई राइट नहीं होगा वो डिलीट कर सके। बाकी जो आप व्यूअरशिप के राइट्स हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। या तो आप कर सकते हैं कि उनको सिर्फ व्यूअरशिप राइट्स दें, या फिर आप कर सकते हैं उनको पासवर्ड प्रोटेक्शन वाले राइट्स दें कि पासवर्ड डाल के ही वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप पब्लिक शेयरिंग में कर दें। तो ये सब एडमिन के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको शेयर करना चाहते हैं। देन ठीक है। ये लूम, अब लूम हमने बात करी, वीडियो सॉफ्टवेयर की बात करी या स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर की बात करी। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड स्पेसिफिक होते हैं, कुछ होते हैं जो iOS स्पेसिफिक होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ ब्राउजर पे चलते हैं, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके क्रोम पे भी चलेगा, ये आपके डेस्कटॉप पे भी एज ऐप इंस्टॉल हो सकता है, ये आपके iOS में भी चलेगा और ये आपके एंड्रॉयड में भी चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छे फीचर्स है। ये सब हाइपरलिंक के फॉर्म में है। जब आपके साथ ये PDF शेयर करी जाएगी तो आप इन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो अंजू जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था रिगार्डिंग द जी सेम क्वेश्चन। आपका आंसर यहाँ पर है कि आपके मोबाइल फोन में भी ये चलेगा, आप चाहे बिल्कुल, iOS यूज कर रही हो या या चाहे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड यूज कर रही या हो, जी या बट फिर लेकिन विंडोज। एंड्रॉयड में, iOS में, क्रोम में, डेस्कटॉप ऐप में कुछ उसकी तकनीकी विशेषताएं हैं जो ध्यान जी रखनी होगी। जैसे कि अगर आप क्रोम में यूज कर रहे हैं, क्रोम एक्सटेंशन ब्राउजर में यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर में, तो वो क्रोम ब्राउजर में ही रन करेगा। मतलब आप ठीक है। फायरफॉक्स या सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस चीज को रन नहीं कर सकते हैं। ये इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, बट क्रोम ब्राउजर ठीक सभी है। फेमिलियर होते हैं यूज करने के लिए और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली रन करती हैं चीजें। ठीक है। बाकी पर्सनल सजेशन की तरह ये बोलूंगी कि आप अगर इंस्टॉल करके उसे एज ऐप यूज करें फोन में या फिर डेस्कटॉप ऐप यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे कि एज ऐप या फिर डेस्कटॉप या मोबाइल ऐप जब आप उसे यूज करते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि ब्राउजिंग में आपका जैसे प्रेजेंटर आएगा तो प्रेजेंटर का साइज आप चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बाकी ठीक है। ये कुछ उसकी तकनीकी विशेषताएं हैं जो कि ध्यान रखनी होंगी, कि जैसे डेस्कटॉप ऐप की तरह अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो वो लिनक्स में नहीं चलता, मतलब उबंटू में सपोर्ट नहीं करेगा या क्रोमबुक में सपोर्ट नहीं करता है। तो बाकी विंडोज में ये बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से चलता है। iOS में क्या है कि स्क्रीन प्लस कैमरा मोड में रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। बाकी स्क्रीन प्लस कैमरा में नहीं करी जा सकती, बट एज सिंगल कैमरा में करी जा सकती है या फिर सिंगल स्क्रीन में करी जा सकती है। तो कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं हर एक में जब आप उसको रन करेंगे। एंड्रॉयड में क्या है, सिर्फ कैमरा मोड में रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है एंड्रॉयड फोन में। बट अब इनका क्या है कि विंडोज में क्या क्या तकनीकी आवश्यकताएं होनी चाहिए, कि विंडोज में विंडोज 7 से ऊपर होना चाहिए, मैक ओएस में 10.10 से ऊपर होना चाहिए, iOS में 12.1 से ऊपर होना चाहिए और एंड्रॉयड में 6.0 मार्शमेलो से ऊपर होना चाहिए, तभी ये सब चीजें उसमें स्मूथली रन करेंगे और आप इंस्टॉल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। देन इज अब आते ये हैं कि जो पिछली स्लाइड थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे हैं लूम की, जिस किसी भी वर्जन में, आपको अपनी डिवाइस का वर्जन पहले चेक करना होगा। तो राइट ये स्लाइड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये ना तय कर ले कि मेरी सिस्टम में ये एप्लीकेशन नहीं चल रही है या मैं इसे जी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आप हूँ। बोलें कि 32 बिट है आपका जी विंडोज लेकिन फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, जी क्योंकि वो 32 बिट है, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर में ही चलेगा। तो यहाँ पर आप अपने आप को तकनीकी रूप से और बेहतर बना सकते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करना जब आप सीख जाते हैं तो एक तरह से बेसिक आपका जो है मजबूत हो जाता है। जी जी आगे बढ़ते हैं अंजलि जी। जी तो अब हम लूम की वेबसाइट देखते हैं। लूम की वेबसाइट है loom.com, सिंपल है loom.com, ये उसकी होम स्क्रीन है। आप सिंपल ब्राउजर पे जब टाइप करेंगे, अभी हम देखेंगे इसको हैंड्स ऑन करते हुए कि किस तरीके से ब्राउज करके हम इंस्टॉल करेंगे या क्रोम एक्सटेंशन में यूज करेंगे, तो loom.com इसकी वेबसाइट का नाम है। देन जब आप loom.com पे जाएंगे तो उसमें कुछ आपके पास प्लान आएंगे। अगर आप गेट
ये स्टार्टर जो हमने बोला कि आप एज स्टार्टर जब देख रहे हैं तो ये उसके फीचर्स है जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जब आप बेसिक वर्जन पे, फ्री वर्जन पे. अनलिमिटेड क्रिएटर्स मतलब अनलिमिटेड लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एज क्रिएटर जो वहाँ पे वीडियोस को डेवलप करेंगे, मतलब आपका वर्क स्पेस जो होगा वो शेयरेबल हो जाएगा डिफरेंट क्रिएटर्स का. देन है आप इसमें 100 वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स तक भी क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं कंबाइंड, वीडियोस प्लस स्क्रीनशॉट्स. ऐसा नहीं है कि 100 वीडियोस 100 स्क्रीनशॉट्स, नहीं, वीडियोस प्लस स्क्रीनशॉट्स 100 इन टोटल आप डेवलप करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं. बाकी इसकी रिकॉर्डिंग लेंथ कितनी मिनट की होती है? 5 मिनट की. अब इसी का ही अगर आप एजुकेटर वाली मेंबरशिप पे जाएंगे तो एजुकेटर मेंबरशिप में क्या है कि आपके पास 45 मिनट्स की वीडियो ड्यूरेशन हो आप क्रिएट कर सकते हैं, 45 मिनट्स की वीडियो की ड्यूरेशन बना सकते हैं. बाकी अनलिमिटेड वीडियोस आप बना सकते हैं उसमें, उसमें वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स की कोई लिमिटेड लिमिटेशन नहीं है. तो प्रेफरेबली अगर अगर आप टीचर्स और एजुकेटर्स हैं तो आप अपने स्कूल के डोमेन से रजिस्टर कीजिए ताकि आप ये टीचर एजुकेशन वाली जो मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप है, फ्री है मगर वो, तो वो यूज कर सके और उसका लाभ ले सके. देन इसके की फीचर्स क्या रहते हैं? स्क्रीन प्लस कैमरा रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट्स लिए जा सकते हैं. एक तो वीडियो पर्पस से रहा, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. अब नॉर्मल स्क्रीनशॉट में और इसके स्क्रीनशॉट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्लैरिटी का डिफरेंस आता है कि इसमें आपके पास क्लैरिटी रहेगी. और जितने भी अगर आप कहीं पे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स में सेव करते हैं. यहाँ पे आपके पास एक वर्क स्पेस बना हुआ है तो आप जितने भी स्क्रीनशॉट्स कहीं पे आपको कुछ आर्टिकल अच्छा लगा जो आपको लगता है बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, कोई इमेज बनी अच्छी लगी है, तो वो सब चीजें आप अपनी वर्क स्पेस में शेयर करके एक कोलैबोरेटिव मैनर में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो ये स्क्रीनशॉट्स का एक फायदा है यहाँ पे ये है. बाकी टीम लाइब्रेरी ये है कि जितना भी आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे उसको अपनी लाइब्रेरी में सेव करके अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं. बाकी व्यूअर इनसाइट्स एक अच्छी चीज है कि इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपने जितने बच्चों के साथ शेयर किया है ये अपना कंटेंट कि आप चाहते हैं कि बच्चे वीडियोस देख ले इसको, 30 स्टूडेंट्स के साथ सपोज आप लोगों ने शेयर किया, 30 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने इसको व्यू किया आपकी क्लास में, 30 स्टूडेंट्स थे तो कितने बच्चों ने व्यू किया? अब वो 15 आया तो मतलब 15 बच्चों ने अभी तक उसको व्यू नहीं किया है. अब इसमें एक और चीज आती है, अब व्यूअर्स के अगर बच्चों के नाम आए तो कितना अच्छा रहेगा कि आप स्पेसिफिकली फिर पॉइंट कर सकते हैं कि तुमने क्यों नहीं देखी वीडियो अभी तक. तो ये चीज बहुत अच्छी है. बट इसके लिए एक चीज आपको बच्चों को ये समझानी पड़ेगी कि 30 बच्चों में वो 30 के 30 अपना अकाउंट क्रिएट करके लूम पे साइन इन करें. और लूम पे साइन इन करना कोई मुश्किल टास्क नहीं क्योंकि हर बच्चे के पास आजकल जीमेल अकाउंट होता है तो वो साइन इन करके देख सकते हैं इस पे. तो सिर्फ जीमेल से नहीं, आउटलुक अकाउंट से भी, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी बच्चे साइन इन कर सकते हैं. अगर वो साइन इन करके व्यू करेंगे तो बच्चों के वहां पे नाम डिस्प्ले होंगे, लेकिन अगर वो बिना साइन इन करे व्यू करेंगे तो वो एज एनोनिमस वहां पे दिखेगा. तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किस बच्चे ने वो देखा है, बस एक एनोनिमस पर्सन की तरह व्यूअरशिप आएगी. तो ये सारे व्यूअर इनसाइट्स जो हैं वो हम लोग फेच कर सकते हैं ये सारा डेटा. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्रिएट करने से लेकर कितने बच्चों ने देखा ये सारा डेटा कलेक्ट करना, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है हमें. बिल्कुल, और ये एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी टीचर्स के लिए जो कंटेंट बनाकर शेयर करेंगे. और ऐसे टाइम में जब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने से फिजिकल क्लास का लगना, तो जाहिर सी बात है ये ऑनलाइन क्लास जो है काफी हद तक कारगर साबित हो सकती है. साथ में ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको कहीं और प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए, गूगल क्लासरूम में ईमेल के थ्रू या किसी और जीमेल के थ्रू, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किया जाए, तो आप डायरेक्टली लिंक को भी कॉपी करके वहां पे शेयर कर सकते हैं. तो अगर बच्चों ने लिंक से भी खोल के देखा और लिंक से अगर उन्होंने डायरेक्टली देखा तो एनोनिमस की तरह दिखेगा, अगर उन्होंने साइन इन करके देखा तो उनका नाम दिखेगा वहां पे. बाकी फीडबैक का ऑप्शन रहता है कि बच्चे अपना फीडबैक सजेशन दे सकते हैं. इवन इमोजीज बड़े आजकल चलते हैं, सैड इमोजी, खुशी वाला इमोजी, तो ये सब रिएक्शंस भी बच्चे वहां पे दे सकते हैं कि उन्हें अच्छा लगा. और इवन ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम काउंटर पे अगर उन्हें किसी तरीके की कंफ्यूजन है और एक पर्टिकुलर टाइम काउंटर पे उनको एक ही वीडियो में और दूसरे टाइम काउंटर पे उनको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए, तो वो दो डिफरेंट रिएक्शंस सेम वीडियो में भी दे सकते हैं. ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ओवरऑल ना देखे, वो एक टॉपिक बाय टॉपिक भी दे सकते हैं कि इस टॉपिक में अच्छा समझ आया या इस टॉपिक पे समझ नहीं आया. तो अब जब आप साइन अप करेंगे लूम के लिए, तो साइन अप के लिए मैंने बोला कि आप गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं, आउटलुक से भी कर सकते हैं, स्लैक से भी कर सकते हैं, एप्पल यूजर हैं तो एप्पल से भी कर सकते हैं अकाउंट से. देन जिस भी आप पर्टिकुलर उस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे कि किस तरीके से आप साइन अप करना चाहते हैं,
फिर वो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करने के लिए बोलेगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको, अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देन अगर आपने एग्री किया, फिर आपसे पूछेगा कि आप लूम किस पर्पस के लिए यूज करें, एज स्टूडेंट, एज टीचर, पर्सनल यूज या फिर वर्क पर्पस के लिए। मैंने एज टीचर किया तो इसलिए एज टीचर मेरे, बाकी एज स्टूडेंट अगर बच्चे देखने के लिए करें तो एज अ स्टूडेंट करेंगे। ठीक है देन उसके बाद आपका एक वर्क स्पेस क्रिएट होगा। जैसे अगर आप एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो एक्सेल शीट में भी क्या होता है कि पूरी एक्सेल शीट का आपको एक नाम देना पड़ता है, जिसको हम राइट उसमें भी हम लोग नाम देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा वर्क स्पेस जो आपका आइडेंटिकल पर्सनल स्पेस है उसको आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप इस नाम को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो आप यहाँ पे पहले आपको नाम देना लेकिन कंपलसरी है, नाम देंगे फिर इसके बाद, अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, कि मतलब आप उसको एज ऐप यूज करना चाहते हैं, डेस्कटॉप ऐप यूज करना चाहते हैं या उसको ब्राउजर में यूज करना चाहते हैं। तो दो तरीके हैं, तो इन दोनों के लिंक्स यहाँ पे गिवन है। लूम क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऐप है, ऊपर वाला लिंक है, और अगर आप डेस्कटॉप ऐप के थ्रू उसे यूज करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला लिंक है। बट तो वो जब आप रिकॉर्डिंग तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। आपने वर्क स्पेस क्रिएट कर लिया बट आपको माध्यम भी तो बताना पड़ेगा कि आप किस माध्यम पे यूज करना चाहते हैं, ब्राउजिंग के थ्रू या ऐप के थ्रू। तो आपको उन दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये उन दोनों के लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद जब आपने माध्यम चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐप वाला चूज किया तो ऐप वाला चूज करके वो आपको इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद बस आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, जब वो इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल के बाद आपको लॉन्च करने के लिए सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है और उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा फर्दर यूज करने के लिए। तो उसमें इंस्टॉलेशन में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद जब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जब आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए बोला, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा। वो मतलब आप जब बिल्कुल बिगनर हैं, बिगनर में आपको ये वाला सबसे पहला स्क्रीन दिखेगा कि आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ये आपको बेसिकली वो एक ओवरव्यू दे रहा है चीज का कि इस लूम के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो स्क्रीन एंड कैमरा, मतलब आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन रहेंगे, स्क्रीन प्लस कैमरा, कैमरा एंड स्क्रीन, तीन चीजें रहेंगी। तो वो आपकी मर्जी है आप कैसे चूज करना चाहते हैं। बाकी जैसे आप जूम भी यूज करते हैं, गूगल मीट यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप कौन सी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टैब शेयर करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर विंडो शेयर करना चाहते हैं या पूरा स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वो पूछता है कि फुल स्क्रीन, टैब, विंडो, क्या शेयर करना है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टैब या किसी पीपीटी पे काम करना है तो आप सिर्फ वो पीपीटी सेलेक्ट कर लीजिए तो वहां पे वो ऑप्शन दे देगा टैब्स के। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको घूमना नहीं पड़ेगा बाद में जगह जगह पे। तो अगर आप स्पेसिफिक हैं कि सिर्फ ये चीज रिकॉर्ड करनी है, कि अगर आप बच्चों को सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि किसी किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ एक पिक्चर देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक टीचर बताता है ना उस चीज को तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि जब दोनों चीजें आती हैं तो वो रिमेम्बरेंस के लिए याद ज्यादा अच्छे से बच्चा रिकॉल कर सकता है और याद कर सकता है चीजों को, इसलिए वीडियो की इम्पोर्टेंस हमेशा से ज्यादा रही है। तो इसी तरीके से आप इसमें फिर उसके बाद अपना कैमरा और ऑडियो सेटिंग चेक कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोफोन से बोलना चाहते हैं या फिर अपने हेडफोन से बोलना चाहते हैं, तो जो भी कनेक्टिविटी आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद रिकॉर्डिंग सेटिंग क्या है, मतलब अगर आपका माइक्रोफोन बिल्ट इन है वही सेम चीज है, माइक्रोफोन वो एक बार ही चेक जरूर करेगा रिकॉर्ड करने से पहले। इसके बाद आप उसमें नोटिफिकेशंस एनेबल कर सकते हैं, कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी ने कुछ व्यू शेयर किया, आपने कोई वीडियो डेवलप किया और आपने वो वीडियो शेयर किया है बच्चों के साथ या कोई स्क्रीनशॉट लिया वो बच्चों के साथ, तो उसकी नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन अलर्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐप में आता है, ये उसमें भी आएगा आपका ब्राउजिंग में। जब आप ब्राउजिंग में कोई वीडियो डालेंगे और आपने शेयर किया, उसमें ईमेल नोटिफिकेशन अलर्ट आप डाल सकते हैं कि जिस भी आईडी से आपने साइन इन किया था उस आईडी पे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। अगर लूम अपग्रेड हो रहा है या किसी ने कोई व्यू किया है, कोई रिएक्शन दिया, कोई सजेशन दिया, तो वो सब चीजें आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन के तौर पे मिलती जाएंगी। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि अगर आप उसे चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको नॉट नाउ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरीके से काम करेगा, जैसे हमारे पास आज की डेट में फेसबुक से आते हैं, ट्विटर से आते हैं, ईमेल्स आते हैं,
तो कि अच्छा आपकी है ना इस कि पोस्ट पर आपको पता इतना, चलता रहेगा कि जी आपके बच्चे कितने अलर्ट हैं देखने में ये नोटिफिकेशंस चीज। आपके पास आते रहेंगे। ठीक जी, बिल्कुल। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं, वो हमने ऐप की बात करी कि अगर हम डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू जाएंगे, ये चीज अभी हम हैंड्स ऑन में देखेंगे तो किस तरीके से हमें, ये स्क्रीनशॉट्स हैं सिर्फ अभी। देन ये आएगा कि आपको अगर क्रोम के थ्रू यूज करना है तो लूम फॉर क्रोम करके वहां पे एक ऑप्शन आता है, ऐड टू क्रोम आप करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके वो क्रोम एक्सटेंशन आपके ऐड हो जाएगा, कि मतलब आप डायरेक्टली इजी टू यूज, वन टाइम आपको ऐड टू क्रोम करना है, उसके बाद आप जी उसको यूज कर सकते हैं कभी भी। देन इसके बाद अगर आप उसको एक शॉर्टकट की तरह पिन करना चाहते हैं तो पिन करने के लिए भी आपको यहाँ पे ये पिन टूल बार होता है, दिस, ये रेड के साथ वाला दिस थिंग, ये पिन टूल बार होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने लूम को पिन कर दिया तो वो आपका ऊपर यहाँ पे सेव हो जाएगा, आप इस पे जब भी डायरेक्टली क्लिक करेंगे आपका लूम खुल जाएगा और आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है कि आपको पहले ये सेटअप करना है या फिर पहले ऑन करना है, नहीं, इसमें डायरेक्टली आप पिन करेंगे, खोलेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करी छोटी 5 मिनट की करना चाहते हैं, एज टीचर या एजुकेटर आप करें तो 45 मिनट्स की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो प्रॉपर आप अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, जिसमें आप बीच में अगर प्रेजेंटर को चाहें तो ला सकते हैं खुद को, अगर आप खुद को रिमूव करना चाहें या कोई फ्लो चार्ट आप दिखा रहे हैं, फ्लो चार्ट में तो डेफिनेटली अच्छा होगा कि आप खुद को दिखाएं, लेकिन अगर कोई तरीके का मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप उसमें अपने आप को हाइड कर सकते हैं, सिर्फ अपनी स्क्रीन को दिखा सकते हैं, तो ये सब ऑप्शंस, डाइवर्स ऑप्शंस आपके पास रहेंगे यूज करने के लिए। देन लूम का उपयोग करने के लिए सरल कदम, मतलब कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि जी नॉर्मली आपको वीडियो अगर बनाना होता है तो आप क्या करेंगे कि आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ये लूम को ऑन करेंगे, स्क्रीन प्लस कैमरा, कैमरा या स्क्रीन, जो भी 3 ऑप्शंस है उसमें से चूज करेंगे, ठीक वीडियो है रिकॉर्ड किया, वीडियो स्टॉप किया, फिर वीडियो की एडिटिंग का भी इसमें ऑप्शन है, जिसे अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करें बीच में आपने फंबल किया है अगर कहीं पे, या फिर आपने पॉज लिया था तो वो चीज भी वीडियो में आ गई, आप नहीं चाहते कि वो बच्चे देखें तो आप वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करता है। अगर आप पेड मेंबर है तो आप इसमें एडिटिंग और भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कलर ब्राइटनेस सेट करनी है या फिर अगर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ बीच में एक प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो वो पेड मेंबरशिप में, लेकिन बेसिक में भी ट्रिमिंग ऑप्शन मिलना इतने सारे फीचर्स के साथ वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, तो आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कहीं पे ट्रिम करना है वीडियो को बीच में, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, वो चीज भी कर सकते हैं। इवन अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग में थंबनेल लगाना चाहते हैं, जैसे कोई ओपनिंग स्लाइड लगाना चाहते हैं, आप वो भी साथ में कर सकते हैं, और हम साथ में इसमें लास्ट में जाके आप इवन हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, जैसे अगर बच्चों को आपने एक कॉन्सेप्ट समझाया और उसी का ही कोई पर्टिकुलर वीडियो है, या फिर अगर आप बच्चों को कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आप बच्चों को किसी टूल के बारे में बताना चाहते हैं, तो अगर उस टूल का हाइपर लिंक आप वहां पे देना चाहते हैं कि बच्चे इस हाइपर लिंक पे क्लिक करें और वो उसको उस पर डायरेक्ट करेगा ताकि वो उसको यूज कर सके, तो वो चीज भी आप अपनी वीडियो में एम्बेड कर सकते हैं लास्ट में, तो ठीक ये है भी कुछ फीचर्स हैं। देन आप इसको, आपने एडिटिंग कर लिया, सेव कर लिया वीडियो को, रीनेम कर लिया, फिर आती है शेयरिंग वाली चीज, तो शेयरिंग में कुछ भी नहीं है, आपको स्टॉप दबाने के बाद जब जैसे ही आप वीडियो को स्टॉप करते हैं तो वहां पे शेयरिंग का ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, पब्लिक शेयरिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट शेयरिंग करना चाहते हैं, लिंक शेयरिंग करना चाहते हैं, 3 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी आप शेयर करना चाहते हैं उस चीज पे क्लिक करके बच्चों के साथ बांट सकते हैं और बच्चों के साथ मतलब साझा करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए रेडी कर सकते हैं। देन आती है समृद्ध प्रतिक्रियाएं, मतलब जो हमने इमोजीज रिएक्शन की बात करी थी कि यहाँ पे बच्चे बहुत रिएक्शन दे सकते हैं, तो वो एक एनरिचमेंट लेके आता है हमारी इंटरैक्टिवनेस में, तो वो चीज भी यहाँ पे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि वो आए तो आप उसको हटा भी सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा कि आप उसे इनेबल करें ताकि आपको भी बच्चों के रिएक्शन पता चल सके उस वीडियो पे। देन देखने में नियंत्रित, मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली जो हमने बात करी थी कि अगर आप चाहते कि लिमिटेड यूजर्स ही उसको यूज करें और ज्यादा ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो आगे, तो फिर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। देन ठीक है। ये जो हमने बात करी थी शेयरिंग वाले में, पब्लिक, स्पेसिफिक पीपल और प्राइवेट, तो इस तरीके से ये शेयरिंग होती है। देन ये वाला चीज अभी हम रिकॉर्ड करके बाद में देखेंगे, इससे पहले हम ये देखते हैं हैंड्स ऑन करके कि लूम वेबसाइट कैसे दिखती है और हम किस तरीके से उस पर जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये पूरा जितना डिस्क्रिप्शन अभी आपने सुना पिछले हाफ एन आवर में, अब उसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखेंगे कि कैसे लूम को हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे आसानी से वीडियोस बनाएंगे। ये देखिए इस वक्त आप गूगल में है,
सर्च बार में loom.com पर सर्च लूम कर डॉट रहे हैं, कॉम आया, ठीक है? मैं इसको साइन आउट कर देती हूँ ताकि आप देख सके कि किस तरीके से आपको साइन इन करना है। पहले ठीक है, साइन आउट कर देती हूँ। ये रहा, ये हमने देखा था, इसका होम स्क्रीन इस तरीके से दिखेगा, loom.com। देन आप ठीक देख है। सकते हैं गेट लूम फॉर फ्री, गेट लूम फॉर फ्री। तो कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे वो सेम चीज ही आएगी, लिखा हुआ है उसके नीचे मैक विंडोज आईओएस एंड्रॉयड सब पे सपोर्ट करेगा, बट कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ जो कि ठीक है आपने प्रेजेंटेशन में देखा था। जी, बस एक चीज और है, अगर आप क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं या आप ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें दो चीजें आप ध्यान रखिए। अगर आप क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे ना, तो अगर आप कोई ऐप बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो वो ऐप आप क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू रिकॉर्डिंग किसी ऐप पे नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल ऐप पे नहीं होती। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो गूगल ड्राइव पे भी है और आपकी नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, तो गूगल ड्राइव वाली तो क्रोम एक्सटेंशन से रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन अगर आप पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन पे रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है कि वहां पे कुछ हिंड्रेंस आए, कुछ रुकावट है। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आप किसी ऐप को दिखाना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप डेस्कटॉप वाली ऐप को इंस्टॉल करके ही यूज करें। अब ठीक आप है। एक चीज पूछ सकते हैं कि डेस्कटॉप ऐप, क्रोम ब्राउजिंग में तो पता साफ पता चलता है कि हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डेस्कटॉप ऐप में क्या हमें जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की? नहीं पड़ेगी। अगर आपने डेस्कटॉप ऐप एक बार ही डाउनलोड कर लिया, तो आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, सेव करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो ये एक और फायदा है डेस्कटॉप ऐप को यूज करने का। लेकिन अगर आपको शेयर करना है, शेयर करने के लिए तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो इसीलिए अगर आप ब्राउजिंग में यूज कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, बाकी अगर आप डाउनलोड करके यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ठीक ये है, आ ठीक गया साइन अप फॉर लूम। साइन अप गूगल में कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। तो आपके पास जो ईमेल आईडी है आप उसी की मदद से इस लूम हाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल, आपका सारा डेटा एक तरह से इंटरलिंक्ड हो जाएगा आपके ऑनगोइंग अकाउंट में, उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। पड़ेगी। मतलब आपके कोई जीमेल में कुछ सेव थोड़ी हो रहा है, ये तो सब लूम के क्लाउड पे सेव हो क्लाउड रहा है पर ना। जाएगा जी, कहीं पे आपकी स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं हो रही है, ना सिस्टम पे, ना जीमेल पे, ना किसी अकाउंट में। तो आपके पास वीडियोस एक सिक्योर तरीके से एक बैकअप की तरह हमेशा के लिए बनी रहेंगी, जी कोई उसको बिल्कुल, डिलीट नहीं कर रहा है जब तक आप उसे खुद नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 GB का स्पेस होता है जी राइट तो ये रहा हमारा अकाउंट। मेरा इस टाइम पे अकाउंट क्रिएटेड है, तो इसीलिए मेरे वो स्टेप्स नहीं आए, तभी मैंने आपको उसके स्क्रीनशॉट्स पहले दिखाए कि जब आप साइन ठीक इन है। करेंगे तो वो आपसे पूछेगा। अब अगर जैसे यहाँ पे ऑप्शन, मैं कुछ बेसिक चीजें दिखा देती हूँ पहले। यहाँ पे ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप अकाउंट सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था वर्क स्पेस का नाम होता है, तो अगर आप अपने वर्क स्पेस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप वर्क स्पेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा डिफॉल्ट वर्क स्पेस, तो आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी वर्क स्पेस छोड़ना है छोड़ भी सकते हैं, मतलब आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। बाकी कुछ नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी हैं कि आपकी वीडियो पहले दिखे, कमेंट और रिप्लाइज जो आपके आ रहे हैं वीडियोस पे वो आए कि ना आए, जो हमने बात करी थी कि आप इमोजीज और कमेंट्स रिप्लाइज वाला सेक्शन इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप नोट पर्सनल सेटिंग्स नोटिफिकेशंस में जाके चेंज कर सकते हैं, पर्सनल सेटिंग्स में नोटिफिकेशन। तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल चीजों को कर सकते हैं। मैंने अभी सब चीजों को इनेबल कर रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिएक्शंस, कमेंट्स, सजेशंस, वीडियो रिव्यू, प्रीव्यू सब कुछ मेरा दिखे, मेरे को ठीक है, नोटिफिकेशन ठीक भी है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ इनेबल कर रखा है। है, ठीक है, देन इसके बाद हम, अब मैं दिखाती हूँ कि हम वीडियोस रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसमें। जिसके लिए हमारा ये पूरा यहाँ सेशन यहाँ पे पर कंडक्ट किया गया है, ये राइट, देखिए। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख सकती है, पर्सनल, शेयर्ड और टीम। पर्सनल मतलब आपका जो खुद का वर्क स्पेस है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, शेयर्ड मतलब जो आपने शेयर किया या किसी ने आपके साथ शेयर किया, बाकी टीम में जो आपने कोलैबोरेशन में ओपन रखा हुआ है एडिट करने के लिए, और या फिर व्यूअरशिप, मतलब आपके ऊपर है कि आप एडिटिंग राइट्स देना चाहते हैं या सिर्फ व्यूअरशिप राइट्स देना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आपको टीम में दिखेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू वीडियो का, मैंने न्यू वीडियो पे क्लिक किया। अब वीडियो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, ये भी एक ओके, इसका बेहतर फीचर है। लेकिन वीडियो अपलोडिंग की एक लिमिट है, देख लीजिए, जैसे कि इसमें 45 MB है। अच्छा, मतलब एक वीडियो जो 45 MB से ज्यादा है वो अपलोड नहीं होगा, राइट आपको अपलोड करने से पहले उसे ट्रिम करना होगा।
ये दे 4 GB, सॉरी 4 GB, ओके 4 GB तक की लिमिट है, बट वो वीडियो आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं. आप जी MP4, MOV, WebM, AVI, WMV, ये पांचों फॉर्मेट्स में आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं. 4 GB तक की आपकी लिमिट है वीडियो को अपलोड करने की यहाँ पे. ओके बाकी आप, हमने जो बात करी थी कि अगर हम बेसिक वर्जन की भी बात करें तो हम वीडियोस को 100 वीडियोस तक, वीडियोस और स्क्रीनशॉट तक रख सकते हैं, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही फाइल साइज होना चाहिए उसका. फाइल साइज ठीक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नंबर में जरूर रिस्ट्रिक्शन है और टाइम ड्यूरेशन में जरूर रिस्ट्रिक्शन है उसकी. है तो अभी हमने देख लिया वीडियो अपलोड कैसे करना है, बट अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो ये रहा रिकॉर्डर वीडियो. मैंने अपना क्रोम एक्सटेंशन इस टाइम पे डिसेबल किया था इसीलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से आप क्रोम एक्सटेंशन में अपना ऐड करेंगे इसको. बाकी ठीक है डेस्कटॉप ऐप अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपल डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक कीजिए या क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा. ठीक है अंजलि जी, मैं यहाँ टाइम की ओर भी आपको जो है देखने के लिए इशारा करूंगा कि आपके जी पास 12 मिनट का समय लगभग अभी जी बाकी है। जी इसमें आपको वीडियो बनाना भी है और हमारे साथ शेयर भी करना है। वीडियो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसमें. आपने क्रोम एक्सटेंशन सीख लिया तो डेस्कटॉप ऐप भी सेम है, डेस्कटॉप ऐप देख लिया ठीक तो है क्रोम एक्सटेंशन सेम है, तो ठीक है कोई इसमें वो नहीं है. बाकी हाँ, मैं ये जरूर दिखाऊंगी कि आप ट्रिम कैसे कर सकते हैं और साथ में उसमें वीडियो में अपना थंबनेल कैसे लगा सकते हैं. ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं इसमें देखने के लिए. बाकी आपने देख लिया कि इमोजीज और रिएक्शंस को कैसे आपको इनेबल और डिसेबल करना है. ये रहा कि अगर आपको डेस्कटॉप, हमने यहाँ पे देखा जब हमने, जब भी आप इसको न्यू वीडियो को अपलोड रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्रोम एक्सटेंशन से करना है या डेस्कटॉप ऐप से. तो मैंने दोनों चीजें आपको खोल के दिखा दी. अगर आप डेस्कटॉप ऐप से करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप, तो आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगी. डबल क्लिक करने पर वो लॉन्च हो जाएगी, फिर आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं. मेरे में लॉन्च है इसीलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रही. तो ये रहा इंस्टॉलेशन वाला तरीका. दूसरा आता है क्रोम एक्सटेंशन वाला. अब क्रोम एक्सटेंशन में हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे ये रहा क्रोम एक्सटेंशन करने के लिए हाउ टू स्टार्ट. ये रहा लूम क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए आप. यहाँ पे ये बोलेगा ऐड टू क्रोम, बस इस पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है. ये ऐड हो गया, ऐड हो रहा है, देखिए नीचे जी इस हाँ पे दिखाई डबल दे रहा क्लिक है वो। कीजिए. ये सारी प्रक्रिया आपको अपने घर में भी दोहरानी है, अपनी अपनी मशीन्स पर जी जो भी आप यूज कर रहे हैं। अब इसमें ये ऐड हो गया है. अब आप देखिए ये रहा ना, अब मैंने उस पर डबल क्लिक किया जो डाउनलोड हुआ था, अब ये मेरा स्पेस है खुल गया, अब ये क्रोम एक्सटेंशन में आ गया है. बाकी अब आप क्रोम एक्सटेंशन में तो हमारा खुल गया, अब ये मतलब आप कभी भी लूम को यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे. तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमें क्रोम एक्सटेंशन में ऐड करना है लूम को. एंड देन इसके बाद जब आपने एक बारी ऐड कर लिया और फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं रिकॉर्ड अ वीडियो पे क्लिक करके, तो आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, सिर्फ स्क्रीन की, स्क्रीन एंड कैमरा की या सिर्फ कैमरा की. तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसके बाद एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके यहाँ से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जब आपका वीडियो स्टार्ट हो तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर काउंटडाउन दिखे तो फिर एक अवेयरनेस मेंटली बच्चा, टीचर प्रिपेयर हो सकता है कि हाँ वीडियो स्टार्ट होने वाला है. तो ये चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे. बाकी आप फोटो दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के लिए या किस तरीके से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कुछ ये एडवांस्ड ऑप्शन में जाके सेटिंग्स कर सकते हैं. देन इसके बाद जब आपका सब कुछ सेट हो गया कि आपको रिकॉर्डिंग इस तरीके से करनी है, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. अब लेकिन आप ठीक ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो दिख रही है, अभी मेरी डिफॉल्ट फोटो दिख रही है जिस अकाउंट को मैंने यूज किया. लेकिन ठीक है अगर आप कैमरा प्लस स्क्रीन करेंगे, दोनों चीजें यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी मेरी फोटो दिखेगी. तो अभी मेरा कैमरा यूज में है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगी. बाकी आप फोटो का साइज, हमने बात करी थी कि फोटो का साइज भी चेंज कर सकते हैं. बाकी अगर आप फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. तो ये देखिए फोटो का साइज आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे फोटो का साइज छोटा हो जाएगा. आप फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप डिमिनिश कर सकते हैं उसको साथ में. एंड देन इसके बाद जब आप ये चीज एडजस्ट हो गई, देन आप स्टार्ट करेंगे नॉर्मली अपने वीडियो को यहाँ से, स्टार्ट रिकॉर्डिंग से. एंड उसी के नीचे ही आपके पास ऑप्शन आता है, पॉज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फिर वीडियो स्टॉप कर सकते हैं ताकि वो फाइनल वीडियो पब्लिश हो सके. तो ये बस सिंपल से ऑप्शंस हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के. एक बार हम डेस्कटॉप ऐप पे भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है.
मेरा तो लूम जल्दी से इंस्टॉल्ड देख है। लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये लूम इंस्टॉल्ड है आप, तो इसीलिए ओपन करेंगे बस लूम को। ठीक है, ये देखिए सेम ऑप्शंस हैं जो कि आपको ब्राउजर में दिख रहे थे, यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस दिखेंगे कि क्या क्या चाहिए, स्क्रीन प्लस कैमरा, कैमरा या सिर्फ कैमरा। तो अगर आपको स्क्रीन एंड कैमरा चाहिए, आप स्क्रीन एंड कैमरा पे क्लिक करेंगे। फुल स्क्रीन चाहिए, ये हमने बात करी थी कि अगर आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन दिखे, विंडो दिखे या कस्टम साइज दिखे, जो आप सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर पोर्शन से उतना ही दिखे, तो ये ठीक है, चीजें भी यहाँ पे ऑप्शन में रहेंगी कि कितना पोर्शन आप वीडियो में अपनी इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके। बाकी एक और जो ड्रॉबैक है क्रोम ब्राउजर यूज करने का, दो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या थे, कि कोई भी एक्सटर्नल ऐप आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं वहां पे। दूसरी चीज ये है कि स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते आप वहां पे, स्क्रीनशॉट्स आप सिर्फ डेस्कटॉप ऐप में ले सकते हैं, बट आप इसमें नहीं ले सकते ब्राउजिंग में। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल आपको सेलेक्ट करना है स्टार्ट कैप्चर, जितना भी पर्टिकुलर, जैसे आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेते हैं लैपटॉप पे या सिस्टम पे, उसी तरीके से आपको यहाँ स्टार्ट कैप्चर करना है, पोर्शन को ड्रैग करना है और वो कैप्चर हो जाएगा। मैं दिखा ठीक देती है, हूँ जिसे स्टार्ट कैप्चर है, तो कोई भी पोर्शन जो आप स्क्रीन कैप्चर लेना चाहते हैं, मैंने इतना लिया, ये कैप्चर हो जाएगा। आवाज आई कैप्चर की, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी ये देखिए अब ये सेव होके कहाँ जाएगा, ये सेव होके जाएगा आपकी पर्सनल स्पेस पे। यहाँ पे ये स्क्रीन कैप्चर करने के लिए अगर आप डेस्कटॉप ऐप का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं चाहिए, तो डेस्कटॉप ऐप बहुत अच्छा है यूज करने में। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी यूज करेंगे, वहां पे भी इंटरनेट नहीं चाहिए होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है कि आप उसे ऑफलाइन भी उतना ही प्रभावी यस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं यस जितना कि यस इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ये देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट लिया था, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस स्क्रीनशॉट को या वीडियो जो भी आपने प्रोड्यूस किया होगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अगर आप कहीं और अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। बाकी अभी ये चल नहीं रहा है, बाकी जो भी आप वीडियो और वो यूज करेंगे उसको आप रीनेम कर पाएंगे। अब हम चलते हैं जी कि एक बार ही देख लेते हैं कि वीडियो जी मैं यही आपसे इस कहने वाला था कि कोई महत्वपूर्ण अगर हिस्सा रह गया हो तो उसे बस कंप्लीट बस करें, बस बिकॉज वी राइट हैव हार्डली 2 मिनट्स। राइट। अब एक चीज और आती है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के भी डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, जैसे 720 पिक्सल, 360 पिक्सल, बिल्कुल 1080 पिक्सल HD बिल्कुल, जो हमारी काउंट होती है। तो 1080 पिक्सल HD मतलब बहुत हाई डेफिनेशन क्वालिटी की वीडियो रहती है। बट लेकिन अगर आप HD में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, वरना फिर वो बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने इसको ये सेलेक्ट किया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगर मैं करूँ, मैं अपना ये खोल लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लॉकडाउन वो काउंटडाउन आया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप बच्चों को जैसे ये पौधा कुशाणु दिखाना चाहते हैं, मतलब प्लांट सेल दिखाना चाहते हैं, और उन्हें बताना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट का क्या यूज है, न्यूक्लियस क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गॉल्गी एपरेटस क्या होता है। तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप बस इसको यहाँ पे आप ऑप्शन सीख सकते हैं कि अगर आपको रिकॉर्डिंग हाथों हाथ डिलीट करनी है वो भी कर सकते हैं, आपको पॉज करना है, रीस्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। मुझे स्टॉप करना है। अभी मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन था, बट लेकिन मेरी फोटो क्यों नहीं दिखी, क्योंकि इंटरनेट स्पीड की वजह से। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी होती तो वहां पे मेरी फोटो भी दिखती। अब फाइनली जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, स्टॉप कर ली, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास कि आप कौन सी स्पीड पे वीडियो को सुनना चाहते हैं। कि अगर आप ठीक है, वीडियो को फास्ट करना चाहते हैं 1.2x, 1.5x, तो वीडियो फास्ट करके भी सुन सकते हैं। ये आपके पास टोटल ड्यूरेशन दिखा रहे हैं वीडियो की, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए देखिए आप क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है वीडियो की। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास आपकी फोटो आएगी और आपके पास वो ऑप्शन आएगा कि इमेज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं कहीं पे, तो ये चीज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अब हमने ऑप्शन देखा था ट्रिमिंग का, ट्रिम भी अगर इसमें ही किया जा सकता है। बिल्कुल ट्रिम भी किया जा सकता है वीडियो को। अभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन है कि आप ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकते हैं वीडियो की। मैंने अभी ठीक साइन है, इन नहीं है यहाँ पे, अगर मैं साइन इन कर लूँ तो आपका वो ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा कि आप वीडियो को ट्रिम कैसे करेंगे। ठीक है, जस्ट यदि दिखाया जा सकता हो तो हम कोशिश करते बिल्कुल हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास सिर्फ एक लास्ट मिनट रह गया है बस 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 इस पूरे सेशन में, और यहाँ पर कोशिशें जारी हैं।
अंजलि जी की कि किसी तरह से आपको ये वीडियो देखिए दिखाया जा सके। ये देखिए, ये ऑप्शंस आ गए, ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन आ गया, वीडियो प्रेफरेंसेस, और ट्रांसक्रिप्ट भी ऐसा है कि आपके पास सेकंड टू सेकंड का चलेगा, कि इतने टाइम ड्यूरेशन का इतना ट्रांसक्रिप्ट है, पूरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगा, सेकंड बाय सेकंड आएगा। तो बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है कि क्या बोला है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट से भी पढ़ सकता है। ट्रांसक्रिप्ट अभी इनका बीटा वर्जन में है, ट्रायल वर्जन में है, बट अगर ये सक्सेसफुली रन किया तो फिर ये लॉन्च भी हो जाएगा। बाकी चलिए ट्रिम वीडियो करना हम है, वीडियो को ट्रिम जी करना है, ट्रिम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। जिस मैंने प्ले किया, मैं चाहती हूँ स्टार्ट ट्रिमिंग पे, यहाँ से लेकर कितने पोर्शन को आप ट्रिम करना चाहते हैं उतना ठीक है पोर्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे को इतना पोर्शन ट्रिम करना है, ओके रिमूव पे क्लिक कीजिए। रिमूव के बाद पब्लिश चेंज, आपने चेंज किया ट्रिम करके, वो पब्लिश हो जाए, पब्लिश चेंजेस, तो ये वीडियो में से वो पार्ट ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। बस इतना चलिए, ये करना बहुत है। बेहतर तरीके से यहाँ पर राइट डेमोन्स्ट्रेट किया अंजलि जी ने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। बस दो चीज और, एक थंबनेल है कि जो हमने देखा थंबनेल कैसे ऐड करना है, कि वीडियो जी की स्टार्टिंग में जो आपकी ओपनिंग स्लाइड बन के रहेगी, तो थंबनेल के लिए कुछ नहीं है। ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये एडिटिंग ऑप्शंस आपको सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आपने साइन इन किया हुआ है। तो रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप साइन इन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको उसमें एडिट करने हैं ये चीजें, या कुछ प्रिव्यू करनी है चीजें, या आपको एनालिटिक्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो थंबनेल इस लगाने के लिए बस थंबनेल पे क्लिक करना है, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड करना है, और वो एज थंबनेल यहाँ पे अपियर हो जाएगा। बस इतना है। चलिए, और तो ये बाकी बहुत जल्दी से यहाँ पर अंजलि जी ने ये आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लूम का आप सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी घरों पर, तब आप जाकर थोड़े एक्सपर्ट होंगे। बाकी शेयरिंग के ऑप्शंस ये रहे, जो शेयरिंग के थे हमने बात करी थी कि आप जी लिंक कॉपी कर सकते हैं, GIF एम्बेड कर सकते हैं, लिंक को ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी शेयरिंग राइट्स आ जाएंगे। तो चलिए, कॉपी वीडियो लिंक करके भी आप आगे लिंक फॉरवर्ड कर शेयर सकते हैं कर अपने सकते हैं। स्टूडेंट्स को। राइट राइट ठीक है अंजलि जी, आपने अपना समय दिया और लूम पर ये तैयारी करके आई आप सभी बच्चों के लिए और व्यूवर्स के लिए। आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया वेबिनार का सेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार थैंक आपका। यू थैंक यू थैंक यू। हमारा ये वेबिनार का सेशन ICT टूल्स पर आधारित जो होता है यहीं पर समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं सहयोग सेशन लेकर, देखते रहिए PM E विद्या चैनल्स और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।